बाहुबली धनंजय सिंह के सरेंडर और बाहुबली नेता विजय मिश्रा के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को लेकर प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान सामने आया है। रीता बहुगुणा ने अपने बयान में कहा है कि सीएम योगी के तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति बदमाशों के लिए बनाई गई है और सरकार उसी नीति पर चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बदमाशों का सफाया किया जा रहा है और यूपी विकास के राह पर लगातार आगे बढ़ रही है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कि पहले ही दिन कह दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जब लिया था नो जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। हम किसी भी तरह से क्रिमिनल एक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। और कितना क्राइम था सपा बसपा के जमाने में तो क्रिमिनल्स का बाहुल्य था, अपहरण, हत्याएं और एक ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको संगठित अपराध कि जबरदस्त यहाँ बोलबाला था। लेकिन अब वो लगभग समाप्त है, लोग भाग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के मैं साहस की प्रशंसा करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अवैध संपत्तियाँ खड़ी करी थी भय बनाकर डराकर दबंगई से, उन सबको ढहा दिया उन्होंने। तो अब ये कह सकते हैं कि मनोबल भी टूट गया है अपराधियों का और ऑर्गेनाइज क्राइम से मुक्ति मिल रही है। इसीलिए अब यहाँ निवेश भी आ रहा है और यहाँ विकास की संभावनाएं पूरे प्रदेश में बहुत तेज।